हस्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शोक सफ़र ऐसा, है शोक सफ़र ऐसा कि मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। मसला ये है, हम सारे लोग चुके बहुत सारी तकारीर हो चुकी हैं, मैं मुख्तसरन एक बात कहना चाहता हूँ, अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ। हमने जो अपने शोदा थे, जो गाजी थे, जो असलाफ थे, यकीन माने हमने उनके नामों को इतना इस्तेमाल कर लिया गया कि अब उनकी रूहें भी तड़प रही होंगी। वो सोच रहे होंगे यार हमने मतलब ये इतने अरसे से बार बार हमारे नामों को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई अपनी तारीख भी मरतब करने की ज़रूरत है। और अपनी तारीख ये थी, ये सच बताऊं मैं आपको, बहुत दुख दे बात है, जब कालाबाग डैम बन रहा था तो केपीके के लोगों ने, सिंध के लोगों ने ये बात कही, सिंधियों ने कहा खप्पे न खप्पे, डैम खप्पे सिंध न खप्पे। उन्होंने कहा नहीं भाई, अगर डैम बनाओगे फिर सिंध नहीं रहेगा। और पाकिस्तान की हुकूमतें, वफाक की हुकूमतें पैकेज लेके जाती थी, क्या चाहिए आपको। हमारे यहाँ क्या हुआ, मंगला अपराइजिंग होने लगी, पाकिस्तान के मुशर्रफ ने बुलाया, आजाद कश्मीर के अंदर एहतजाज हो रहे थे, उन्होंने बुलाया कि पूछो इनसे क्या चाहिए इनको। किसी ने कहा ये कहते हैं कि 25 साल के लिए हमें बिजली मुफ्त दी जाए। उन्होंने हमारे हुक्मरानों को बुलाया, सिकंदर आजाद वजीर आजम थे, उनसे पूछा क्या चाहिए, उन्होंने कहा 7 लग्जरी गाड़ियां चाहिए, उन्होंने कहा 11 दे दो इनको। मतलब हमारी ये हालत है, ये जो डैम बन रहा था, ये जो हम उसका नाम जो है वो ओलाड डैम नहीं रखवा सके, उसका नाम करोड़ डैम रखा गया, मुतासर हम हुए, दरिया हमारे थे, हम अपने इलाके के नाम पे डैम का नाम नहीं रखवा सके, उसका करोड़ डैम रख के उन्होंने कहा ऑनरशिप हमारे पास है, हम है इसके। यहाँ ये जो पतन शेर खान का डैम बन रहा है, मैं आज भी ये बात कहता हूँ, छोड़े कौन से एहतजाज है, आज यहाँ पे थ्रेड दें, ये सुदनूती, ये पूरा पुंछ डिवीजन, हम बहुत तारीखें बातें करते रहे माजी की, आज यहाँ पे बात करें कि हम ये जो पतन शेर खान का पुल है डैम में नहीं बनने देंगे जब तक हमारे मामला नहीं हल होते, बंद करवाए काम। देखे दूसरे दिन आके आपके साथ बात होती है या नहीं होती है, हम कभी यहाँ गिड़गड़ाते हैं, कभी वहाँ गिड़गड़ाते हैं, हमें बिजली जो है वो हमारे यहाँ से बिजली जो है पाकिस्तान रोशन करता है, हमें 400 मेगावाट बिजली नहीं मिलती, सुबह से लेकर शाम तक जो है वो हम लोड शेडिंग का शिकार होते हैं, हर रोज सुबह उठ के पूछते हैं पतन खुला हुआ या बंद है, ये नस्ल दर नस्ल हमारे नसीब में आके पतन खुला हुआ या बंद है, ये क्या बात हुई। ये किसको नहीं पता था, ये मेरे और आपके लोगों को पता था कि ये सर्वे गलत हो रहा है और ये हमारी भी कसूर है, हम नहीं देख रहे थे कि सर्वे क्या हो रहा है, हम उस वक्त हमें जागना चाहिए था, हमें वक्त से पहले जाग के ये बताना चाहिए था ये सर्वे काबिल कबूल नहीं है, बंद कराओ ये सर्वे, ये हमारे साथ मजाक हो जाएगा। हम अपना सारा आम हालात में जो है हम लगे रहते हैं, जब सर से ऊपर पानी गुजर जाता है हम वहां पे जाके बातें करना शुरू हो जाते हैं। मैं आखिर पे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ।